तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है गाइस, ये वाली न्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। एक बेटी है, मतलब एमपी से ही न्यूज आ रही है, एमपी मध्य प्रदेश से ही न्यूज है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो एक अपनी बेटी होती है, बेटी अपने डैड के ऊपर एलिगेशन लगाती है, अपने पापा के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि एक फेक रेप केस का एलिगेशन लगाती है। और ये जो एलिगेशन लगाया था मार्च 2012 में, 12 साल पहले लगाया था। और गाइज, जब वो ये कंप्लेंट करी गई तो गाइज उसके डैड को अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया 12 साल तक। गाइज वो उसके पापा वे फालतू में, मतलब सब फेक था, ये सारी रिपोर्टें फेक थी, 12 साल तक वो जेल में रहे। अब जाके 12 साल बाद पता चलता है कि सब फेक था, उन्होंने कितना कष्ट झेला है गाइस। और बता दूं, जो उनके पापा थे, मतलब बेटी के जो फादर थे, उन्होंने अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। तो बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि ये ऐसा एलिगेशन अपने फादर के ऊपर लगा, तो उसने लगाया और गाइस सब फेक था ये। गाइस 12 साल बाद कोर्ट में जाके प्रूव हुआ कि उसके फादर गिल्टी नहीं है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, एक दुकानदार के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे क्या लिखा हुआ है, पता पूछने के 10 रुपए। गाइस क्या चल रहा है? और अगर गाइस आप जाके रास्ता पूछोगे ना तो 10 रुपए दे देना, ठीक है, 10 रुपए देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, लियोनेल मेसी के बारे में। तो लियोनेल मेसी का एक 2000 में एक उन्होंने अपने नैपकिन के ऊपर सिग्नेचर किया था। तो गाइस वाला नैपकिन जो है, रुमाल है, तो उसको ऑक्शन किया जा रहा है। और गाइस उस नैपकिन का बेस प्राइस जो है 3 करोड़ रुपीज है। गाइस अब उन्होंने अपना फुटबॉल करियर स्टार्ट किया था बार्सिलोना के साथ, तो उनका ये वाला रुमाल जो है, मतलब नैपकिन है, उन्होंने सिग्नेचर किया था, तो वो वाला ऑक्शन में जा रहा है 3 करोड़ रुपीज का। गाइस क्रेजी है ये। गाइस मेरे को तो लगता है और ज्यादा इसकी प्राइस बढ़ेगी आई थिंक, और कौन खरीदेगा गाइस 3 करोड़ का ये रुमाल, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। डाई हार्ट फैन ही होगा मेसी का, वही खरीदेगा। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, रोनी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, रोनी की शादी हो गई है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस रोनी। शादी किससे हुई है गाइस? मोनिका से हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, टेक्निकल गुरुजी और शाहरुख खान सर के बारे में। इन दोनों का एक एड आउट हुआ है अभी, मतलब रियलमी 12 प्रो सीरीज करके एक मतलब फोन की कंपनी है, उसके रिलेटेड इनका एक एड बाहर आया है। और SRK का एक और न्यूज आपको बता देता हूँ अभी बाहर जो आ रहा है, कि उनकी जो डंकी मूवी थी ना, उसका भी उन्होंने एक मीटअप रखा हुआ है, मतलब अपने फैंस के लिए। अभी सक्सेस हो चुकी है अभी डंकी मूवी, उसके लिए उन्होंने एक मीटअप रखा। गाइस उसमें से काफी सारे मतलब फैंस है, उनमें से एक फैंस था जो कि भाई बहुत ज्यादा शिवर कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही टाइप का फैन था। तो वो फिर उनको हग करते हैं शाहरुख खान और फोरहेड पे किस वगैरह करते हैं, तो बहुत ही अलग क्रेजी फैन था। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव बहुत ही ज्यादा सीरियस रिक्वेस्ट की अपने फैन से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे, मैं आपको बता देता हूँ, आप क्लिप देखिए। कई बार कर चुका वैसे, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते, बट फिर भी एक और दोबारा रिक्वेस्ट कि भाई मेरे घर मत आया करो यार, वो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, पर्सनल स्पेस है वो मेरा, तो वहाँ मत आया करो यार किसी भी पर्पस के लिए। जैसे कई, मैं तुम्हें देखो मैं बताना नहीं चाहता ये वाली चीज़ कि कई लोग आते हैं कि भाई मेरा इतनी फलानी जगह कोई नुकसान हो गया, मेरे को इतना रुपया दे दो, मैं उतना नुकसान हो गया मेरा इतना रुपया दे दो। भाई मैं कोई बैंक वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई फाइनेंसर थोड़ी हूँ, ये ब्याज पर रुपया चढ़ाने वाला थोड़ी हूँ। कई हमें कि हमारा ये कर दो वो कर दो, कई एक तो एक ऐसा अनुकर हमारा घर बनवा दो, हम पे घर ना, अब बताओ मैं बिल्डर भी हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करता हूँ गाइस, तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना।